हेलो एवरीवन, चांद जीएसएस साइट में आपका स्वागत है दोस्तों। फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का चैप्टर नंबर एनालॉजी टेस्ट। दोस्तों इससे भी दो तीन प्रश्न आपको बीएसएससी में मिल ही जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल आप डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे एनालॉजी टेस्ट के तो हम आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैसे एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। तो दोस्तों आज हम एनालॉजी टेस्ट के अल्फाबेटिकल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनसे चीजें को आसानी से समझेंगे कि कैसे आसानी से हम क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। तो सबसे पहले एनालॉजी टेस्ट के लिए हमें क्या याद रखना है दोस्तों, अल्फाबेटिकल नंबर याद रखना है। क्या याद रखना है? अल्फाबेटिकल नंबर, है ना। तो इस नंबर को याद रखना है जिसके लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं दोस्तों, जिसे हम आसानी से याद रख लें। तो आपको याद रखना CFILOR US। क्या याद रखना है? CFILO क्या बोलेंगे? CFILOUR X, यानी CFILORUX याद रखना है ना। यानी C कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। F कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। I कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। L कितने नंबर पे? 12 नंबर पे, है ना। उसके बाद 15 नंबर पे, उसके बाद 18 नंबर पे, उसके बाद 21 नंबर पे और ये 24 नंबर पे। दोस्तों आसानी से पूरा ABCD आपको याद हो गया। देखिए ये 3 का टेबल है, 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 6 3 8 3 24। क्या पढ़ेंगे हम लोग आसानी से कि CFILORUX अगर हमें दोस्तों याद हो जाता है तो हम किसी भी एनालॉजी टेस्ट को आसानी से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो किस टाइप का एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चन पूछा जाता है और किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आपको रीजनिंग आ जाएगी एनालॉजी टेस्ट से तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सेकेंडों में एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर के सॉल्व करके आएंगे। इस तरह से अगर आपको अल्फाबेटिकल नंबर याद रहा दोस्तों तो क्या याद रखना है? याद रखना है सी, उसके बाद एफ, आई, एल, ओ, आर, यू, एक्स, यानी CFILORUX। और इसमें अपोजिट भी याद रखना है दोस्तों। तो हमें हमेशा याद रखना है कि सी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? एक्स होता है। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। और एफ का अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो याद रखना है एफ का क्या होता है? यू होता है। क्या होता है? F का U होता है। और I का क्या होता है दोस्तों? तो R होता है ना, इंडियन रेलवे। दोस्तों आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे भी याद ना हो दोस्तों तो आप आसानी से कैसे याद रखेंगे? जैसे हमें F का अपोजिट निकालना है। किसका अपोजिट निकालना है दोस्तों? F का अपोजिट, है ना, F का अपोजिट। अब हमें मालूम करना है कि F जो है बाईं तरफ से कितने नंबर पे आता है दोस्तों? लेफ्ट हैंड साइड से ये 6 नंबर पे आता है। तो हमें 27 में से 6 घटा देना है। क्या घटा देना है? 27 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना हो गया? और 21 नंबर पे देख लीजिए दोस्तों क्या है? ये U है। इसीलिए F का अपोजिट क्या होता है? U होता है। तो आप आसानी से बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिसका भी अपोजिट निकालना हो, यानी अपोजिट वर्ड निकालने के लिए हमें क्या करना है कि 27 में से क्या घटा देना है? बस ये CFILORUX वाला जो नंबर है उनका अपोजिट निकल। जैसे O का निकालना है तो O कितने नंबर पे आता है? 15 निकाल लेंगे ना। तो 7 में से 5 किया 2, यानी 12 नंबर पे क्या होता है दोस्तों? तो L आता है। इनका मीन से L का अपोजिट O बोलेंगे, है ना, या O का अपोजिट L बोलेंगे। तो आप इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए अब परीक्षा में क्वेश्चन किस तरह का आता है दोस्तों तो हम आसानी से इन पे बात करेंगे कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो हम उनका आंसर सेकंडों में कैसे दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अल्फाबेटिकल नंबर बाईं तरफ से आपको ये रूल याद रखना है, दाईं तरफ से निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अपोजिट वर्ड भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेक्ट करना है। तो एनालॉजी टेस्ट के जो प्रश्न आते हैं दोस्तों अल्फाबेटिकल नंबर में इस तरह से, तो इस क्वेश्चन को समझना कैसे? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? एस्ट्रेन शब्द लिखा है, और एस्ट्रेन को यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रे। तो यहाँ पे इनका मीन से पहला कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि एस्ट्रेन को ट्रेन लिखा है। इनका मीन से एस को क्या कर दिया दोस्तों? रिमूव कर दिया। रिमूव का मीन से हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। उसके बाद ट्रेन लिख दिया, यानी ये वर्ड जो है ट्रेन यहाँ दिख रहा है, इनको यहाँ उतार दे। इसका मीन से एस यहाँ से हटा देंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेबल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जब इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरह के क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट में किस तरह का दिया हुआ है।
दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप आसानी से कैसे सॉल्व करें। क्या लिखा है? NaNO को HCPS लिखा है। यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है दोस्तों अल्फाबेटिकल नंबर का यूज किया गया। आप ऐसे करके लिख लीजिए और आसानी से समझिए। N कितना नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। A कितना नंबर पे आता है? 1 नंबर पे, है ना। M कितना नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। O कितना नंबर पे आता है? 15 नंबर। OCPS लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? OCPS। अब एक दो बार लिखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कितना नंबर पे आ गया है दोस्तों? तो ये 15 नंबर पे आता है। ये कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। ये कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। और ये कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर। अब कॉन्सेप्ट को समझिए। 14 में कितना ऐड किया है दोस्तों? 1 ऐड किया है। इसमें कितना ऐड किया है दोस्तों? 2 ऐड किया है। इसमें कितना ऐड किया है? P 16 नंबर पे आता है दोस्तों। कितना ऐड किया है? 3 ऐड किया। इसमें कितना ऐड किया है दोस्तों? तो याद करके रखना है, 4 ऐड किया। यानी फर्स्ट में 1 ऐड करना है, दूसरा में 2 ऐड करना है, तीसरा। अब की कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है। आप टाइमर लगा के भी क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं आसानी से। आप देखिए, गॉड से ये 7 नंबर पे आता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 7 है, ये 15 है, ये 4 है और ये 19 है। पहले वाले में 1 बढ़ाना है, 1 बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। तो 8 नंबर पे आप डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप आसानी से बोलेंगे 8 हो जाएगा। उसका 15 2 17, है ना। उसके बाद डी में दोस्तों 4 3 7 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 19 2 21 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इनका अल्फाबेटिकल नंबर, 8 कितने नंबर पे? एच, ठीक है। 17 नंबर पे क्यू, 7 नंबर पे जी, 21 नंबर पे यू। ऑप्शन में मिलाइए एच क्यू जी यू। क्या लिखा हुआ है? एच क्यू जी यू। दोस्तों यहां पे ऑप्शन छूट गया है, एच क्यू जी यू है। क्या है? एच क्यू जी यू। इसका पहला आंसर क्लिक करें, क्लिक करेंगे सॉरी 19 4 जोड़ना है दोस्तों। W ठीक था। क्या था? 19 4 कितना होता है? 23 होता है। क्या होता है? 19 में 4 लास्ट वाले में ऐड करना है, तो यहां पे 23 लिखेंगे। 23 का क्या लिखेंगे? W लिखेंगे। तो एच क्यू जी डब्ल्यू, ये हमारे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। तो आप इस तरह से आसानी से बनाएंगे दोस्तों। अब मैं आपको जल्दी से बना के दिखाऊंगा कैसे आप आसानी से करेक्ट करें। तो थर्ड प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करके। तीसरा क्वेश्चन है, काव को क्या लिखा है? AMU लिख दिया है ना। तो इनका मीन सी 3 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, W 23 नंबर पे आता है। आप आसानी से ऐड कीजिए। देखिए 3 में कितना माइनस किया है? 2। यहां कितना माइनस किया है? 2, है ना। 15 में से 2 घटाएंगे 13, ये 1 है, ये 13 है और ये क्या है? 21 है। और 23 में से 2 घटाएंगे 21। यानी इसका मीन है कि इस बार माइनस 2 लॉस किया है। तो हमें डॉग लिखना है दोस्तों, है ना। डॉग 4 15 और 7 है। नंबर याद रखिएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा बी, 15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 नंबर पे क्या आता है? एम। 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 नंबर पे क्या आता है? ई आता है। आपके ऑप्शन देखिए बीएमई लगा हुआ है दोस्तों। आप आसानी से सेकंडों में बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जिससे किसी टाइप का भी अगर एनालॉजी टेस्ट के प्रश्न आएंगे तो आप सेकंडों में बनाएंगे। मैं हर टाइप आपको पढ़ाने वाला हूं, जिससे आप आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस टाइप का भी एनालॉजी पूछा जा रहा है, आप प्रैक्टिस पे ध्यान देना और कंसेप्ट पे ध्यान देना दोस्तों। देखिए सी 3 नंबर पे आता है, क्रॉस कीजिए, एफ 6 नंबर पे आता है, है ना। अब हमें क्या लिखना है? इंटरमीन से एल कितना नंबर पे आएगा दोस्तों? 12 नंबर पे। ओ कितना नंबर पे आएगा? 15। यानी 15/12 हमारे आंसर नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों। बताइए कितना सेकंड लगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को भी करेक्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं, स्क्रीन पे आने वाला है दोस्तों। इस टाइप का भी एनालॉजी का क्वेश्चन आ जाते हैं एनालॉजी टेस्ट में, और अक्सर पूछा जाता है। आप एसएससी एग्जाम देंगे, आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। बीएसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाएगा दोस्तों। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन बीएसएससी एसएससी में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। घबराने की जरूरत नहीं, आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी सेकंडों में बना के आ सकते हैं। कैसे बनाना है? प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 9 लिखा गया है, कुछ तो कॉन्सेप्ट दिया होगा। जे 10 नंबर पे आता है, प्लस कीजिए, 8 कीजिए, 2 कीजिए दोस्तों, 7 कीजिए, सबको ऐड कीजिएगा तो 27 आ जाएगा। और इस 27 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 9 आ जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसी तरह से यहाँ I 9 नंबर पे आता है दोस्तों, F 6 नंबर पे आता है, K कितना नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। और J कितना नंबर पे आता है दोस्तों? 10 नंबर पे। 6 1, आप आसानी से याद रख सकते हैं, 6 1 7, 9 7 16 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया दोस्तों। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12। और आपके राइट आंसर सेकंडों में निकल जाएंगे। बिल्कुल आपको पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप माइंड यूज करेंगे और इस टाइप के हजारों क्वेश्चन को भी आप सेकंडों में बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट का क्या है आपके
दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर आ जाएंगे एनालॉजी टेस्ट में तो आप सेकंड में बना के आएंगे। लेकिन दोस्तों 136 लिखा, इनका मीन्स है कि 1 में 7 ऐड किया तो 8 आता, और 8 को इस 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 136 आ जाता है। इनका मीन्स यही अप्लाई, 8 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 9, और 9 को मल्टीप्लाई करना है 18 से, तो इनका मीन्स आंसर भी क्या जाएगा 162। और इस टाइप के क्वेश्चन को भी दोस्तों आप सेकंड में बना सकते हैं, और आप इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे तो बीएसएससी के सारे क्वेश्चन उम्मीद है बना के आएंगे, क्योंकि दोस्तों बीएसएससी में 50 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग का होगा। दोस्तों अगर आपको एक सीट चाहिए तो इनके लिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन आपको सेकंड में बनाना पड़ेगा तभी जाके आप रीजनिंग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में मात्र 2 आवर्स और 15 मिनट है। कितने हैं? 2 आवर्स 15 मिनट। दोस्तों याद रखना है कि 120 मिनट हमें मिलेगा और प्लस 15 मिनट ऐड कर दीजिए दोस्तों, 15 मिनट तो आपके इंस्ट्रक्शन पढ़ने में और अटेंडेंस शीट बनाने में चले जाएंगे, और इनमें से 75 क्वेश्चन आपको मिलेगा मैथ प्लस रीजनिंग के दोस्तों, है, और आसानी से इसमें टाइम स्पेंड होगा, इसीलिए हमें रीजनिंग पे ज्यादा मेहनत करना है। अगर रीजनिंग के दोस्तों आप 30 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो आप 100 प्लस स्कोर करेंगे, और मैथ के 20 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो आप आसानी से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि 200 मैथ प्लस रीजनिंग में करेंगे, फिर आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनालॉजी टेस्ट का क्या है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भी एनालॉजी टेस्ट में पूछा जाता है, हम माइंड यूज करते हैं लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं और स्किप करके आगे चले जाते हैं। दोस्तों आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है आई विल विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है दोस्तों, लेकिन मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। दोस्तों याद रखना है 5 को 20 लिखा है, 6 को क्या लिखेंगे, आंसर देख के भी आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। 90% बच्चे क्या करेंगे दोस्तों, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सोचेंगे 20 आएगा, तो दोस्तों 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 ऑप्शन में नहीं है। इनका भी कि ये कंसेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों, तो हमें क्या करना है 5 का स्क्वायर करना और इसी 5 को घटा देना है, 20 आ गया, 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों और इसी 6 को घटा देंगे तो हमारे आंसर क्या जाएंगे 30, और हमारे ऑप्शन में क्या है दोस्तों 30। एक नजर आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, उसके बाद दोस्तों कॉन्सेप्ट यूज करना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों मैं जो अभी आपके सामने एनालॉजी टेस्ट के प्रश्न बताया हूं आप आसानी से क्रैक करके आएंगे दोस्तों, और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सेकंड में बना के आएंगे। दोस्तों इसका बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, और हर टाइप के मैं एनालॉजी टेस्ट के प्रश्न आएंगे वो आपको बताऊंगा, और आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।